पिछले 5 महीनों से आप सबकी अटकी हुई सैलरीज को निकलवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस राधा के मामले ने इतना ज्यादा तूल ले लिया है कि सब कुछ गड़बड़ा गया है। ऊपर से प्रेस, मीडिया, डीएसपी साहब, सबको लग रहा है कि हम राधा को फेवर कर रहे हैं और ये पूरा थाना उसे सपोर्ट कर रहा है। मिल तो रहा है ना मैडम सर, करिश्मा मैडम दे रही ना उनका खुलेआम साथ। आपको बीच में बोलना जरूरी है पुष्पा जी? हाँ, तो आपका भी हर केस में घुसना जरूरी है? देखिए आप लोग जरा केस पर रहेंगे, वैसे ही बहुत प्रेशर है हम पर। तजुर्बा कहता है हमारा कि पहले घर में रोशनी की जाती है, फिर मंदिर में दिया जलाया जाता है। पहले आप लोग अपनी अपनी नौकरियां तो बचा लीजिए, फिर तय करते रहिए कि कौन सही और कौन गलत। ये राधा का मामला अगर कुछ घंटों में खत्म नहीं हुआ तो आप अपनी अपनी सैलरीज तो भूल ही जाइए। ये थाना बंद होने से बच जाए वही गनीमत होगी। इसलिए सोचिए कि इस मामले को खत्म कैसे किया जाए। वैसे ही जैसे शुरू हुआ था मैडम सर, करिश्मा मैडम ने राधा के कान में क्रांति का मंत्र फूंक कर उसे धरने पे बिठाया था। हम उसके कान में शांति का मंत्र फूंक कर उसे वहां से उठाते। बस एक बार राधा धरने से उठ जाती है ना तो बाकी की सारी औरतें अपने आप शांत हो जाएंगी। अच्छा, आपको लगता है कि ये इतना आसान है? ये लड़ाई अब सिर्फ राधा की नहीं है, पूरे लखनऊ की हो चुकी है और बहुत जल्द पूरे देश की हो जाएगी। ये नहीं सुधरेंगे। क्या? कुछ नहीं, एक बात बताइए हमको, आप चुनाव में कौन सा चिन्ह रखने वाली हैं, बम या तलवार? मतलब ये कि आपको नेतागिरी का शौक चढ़ गया है ना, तो आप छोड़ दीजिए पुलिस की नौकरी और जाइए राजनीति में, और वहां जाके उनकी जान खाइए, हमारी जान बख्श दीजिए। पुष्पा जी ठीक कह रही हैं। देखिए मैडम सर भी सहमत है हमसे। नहीं 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 नहीं, पुष्पा जी आपने ये ठीक कहा कि अगर राधा इस धरने से उठ जाए तो बाकी औरतें भी अपने आप हट जाएंगी। तो चलिए कोशिश करते हैं कि राधा इस आंदोलन को खत्म करने के लिए मान जाए। और करिश्मा सिंह, आज के बाद आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिसका खामियाजा पूरे थाने को भुगतना पड़े। और हाँ, इसे रिक्वेस्ट समझने की गलती मत कीजिएगा, ऑफिशियल वार्निंग है ये। याद रखिए कि जब मीठा ज्यादा ही पक जाता है तो जहर से भी कड़वा लगने लगता है। माफ कर दीजिए मैम, माफ कर दीजिए। मिस्टर चिंतन, अचानक आपको क्या हो गया? समझ गया मैं हाउसवाइफ का महत्व, समझ गया कि घर और बच्चे संभालना कितना मुश्किल है। राधा धरने पर बैठी है, बेट छुट्टी पर है, माँ कानपुर से आते ही मंदिर के सत्संग में चली गई, घर बच्चे सब मुझे संभालने पड़े, तब जाकर मुझे पता लगा कि कितना मुश्किल होता है घर संभालना, कितना पेशेंस, कितनी मेहनत चाहिए बच्चों को संभालने के लिए। मैम मैं हार गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया। देर है, दुरुस्त है, हमें खुशी है इस बात की कि आपको अपनी बीवी की अहमियत का एहसास तो हुआ। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ कर देंगी और बंद कर देंगी आंदोलन। हमें नहीं लगता वो इतना आसानी से मानने वाली है मैडम सर। आपको तो बहुत कुछ नहीं लगता करिश्मा सिंह, लेकिन बात करना तो जरूरी है। नहीं मैडम जी, ये धरना खत्म नहीं होगा, हमें माफी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं तब तक ये धरना भी खत्म नहीं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। राधा तुम ये सब क्या? सही कह रहे हैं मैडम, आज यहाँ आपके सामने माफी मांगकर घर ले जाएंगे, कल से फिर वही ढाक के तीन पार। यही होता है हम औरतों के साथ, हमें रिश्तों के नाम का चारा दिखाकर वही कोल्हू का बैल बनाकर घुमाया जाता है। लेकिन अब नहीं, अब ये धरना तभी खत्म होगा मैडम जी, जब हम औरतों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि हमें हमारे घर में सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, हमें वो कद्र मिलेगी जो एक महिला को मिलनी चाहिए, तभी ये धरना खत्म होगा।
नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ब्रेकिंग न्यूज, धरने में बैठी राधा ने अपने पति की माफी को नकारा। फैल गई कुड़ी, मुंडे दी नींद उड़ी। अब देखना ये है कि क्या करेगा पति, क्या करेगी राधा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका अपना, अरे मुझे कौन नहीं जानता, सारी न्यूज का एक ही अड्डा। मैं हूँ आपका अपना सनी चट्टा। हमने पहले ही कहा था ये इतना आसानी से मानने वाली नहीं है। क्रांति की ज्वाला है ये, फूक मार के बुझने वालों में से नहीं है ये। चीता की याद आ रही है। संतोष शर्मा जी, मैडम सर, फोन लगाइए हमारे विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट को और पूछिए कि ऐसे हालत में क्या करना चाहिए। मैडम सर प्लीज हमसे मत करवाइए। चीता ना काम की बात को कम करता और अपने पूरे गांव वालों से हमारी बात करवा देता। प्लीज मैडम सर। हम ही करेंगे मैडम सर। जय हिंद। मैडम प्लीज अरेस्ट मी प्लीज। अरे तुम फिर आ गए। अरेस्ट होने के लिए? किस जुर्म में भाई? आपके बाइक का टायर चोरी करने के जुर्म में। अम्मा वो तो तुम मैडम सर के कहने पे चुराए थे ना। पहले, अभी नहीं। क्यों, अब क्या हो गया? आपके बाइक का टायर फिर से चोरी हो गया। चोरी हो गया? किसने चुराया अम्मा, कौन है वो? मैंने चुराया। क्यों चुराया? अंदर होने के लिए। तू टायर दे, दे टायर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं दे सकता? खा गया। हमारा टायर खा गया? बिरयानी। तो टायर कहाँ है? वही तो बेच के बिरयानी खाई। आपको बताया ना, मेरी माँ बहन एक होके राधा जी के साथ धरने पे बैठी, इसलिए घर पे खाना नहीं बना है। आपका टायर बेच के बिरयानी खाई। अंदर करो ना प्लीज 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 प्लीज। चल चल। क्या करे इस बिल्लू का। रुक। चेन मैडम सर। हो गई पूरे गांव से बात? जी मैडम सर। कुछ काम की बात हुई? जी मैडम सर, चीता ने कहा है कि मैं बंदे बालों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ, तो मैं अपने बाल बांध कर आऊँ। काम की बात? जी मैडम सर, चीता ने कहा है कि अगर औरत बड़ा बवाल करती है तो उसके पीछे कारण छोटा होता है। ये सैलरी की बात नहीं, बात कुछ और है। कुछ और? ऐसी क्या बात हो सकती है? राधा, मैं यहां तुमसे धरना खत्म करने के लिए नहीं कहने आया हूं। तुम्हें जो करना है करो, बस मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हें वो कह सकूं जो शायद मुझे पहले कहना चाहिए था। रोज कहना चाहिए था, बार बार कहना चाहिए था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। इसलिए मैं आज सबके सामने तुमसे वो बात कहने आया हूं। थैंक यू राधा। Thank you so much for everything. आप ना ऐसे सबके सामने हमसे माफी मांग के आपको शर्मिंदा मत करिए। देखा, बस इतनी सी तो बात थी, दिल से निकला एक लफ्ज, शुक्रिया। बस यही तो सुनना चाहती है हर गृहिणी। यही है इनकी असली सैलरी। इसी के लिए हो रहे थे ये सारे आंदोलन, ये सारे धरने। आप सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक गृहिणी ही है जो हर किसी की जिंदगी जीती है, फिर वो महिला चाहे बीवी हो, बेटी हो, बहन, फूफी, बुआ, कोई भी, वो एक अकेली सबका ख्याल रखती है। सो
सुनने में बहुत छोटा सा लफ्ज लगता है, लेकिन अगर दिन में एक बार भी पूरे दिल से गले लगाकर कह देंगे ना, तो बहुत बड़ा लगेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, अब तक जिन्होंने ये नहीं किया है, घर जाइए और अपने घर की महिलाओं को कस के गले लगाइए और कहिए थैंक यू। माँ, आप तो मंदिर गई थी ना? आपकी माँ जी मंदिर नहीं गई थी, मैडम सर के कहने पे हम उन्हें अपने घर लेकर गए थे। मैडम सर के कहने पे ही आपकी मेड ने छुट्टी का बहाना दिया था, और मैडम सर के कहने पे ही आपके बच्चों ने आपको जरूरत से ज्यादा तंग किया। आपकी बीवी आपसे जो कुछ भी मांग रही है ये सही है, इस बात का एहसास आपको दिलाना था, और ये करने के लिए जो हमें सही लगा हमने किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। कभी कभी सही के लिए गलत होना पड़ता है। सही कहा ना मैडम सर? चलिए अब आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। मैडम सर, थैंक यू।